establishing a niche or gap we are at this moment discussing your introduction chapter and we are discussing what sort of content can you put in your introduction chapter or usko you up organize kar sakte once you have established the field of your research you move on to indicate a gap so ये गैप जो है आप ये भी बताएंगे कि क्या कौन सा वो एरिया है कि जिसमें अभी तक रिसर्च नहीं हुई या वो एरिया अंडर एक्सप्लोर्ड है और आप ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो ये गैप रह गया है वो इम्पॉर्टेंट है इन चीजों को चीजों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में सो आर गोइंग टू रेज क्वेश्चन अबाउट द प्रीवियस रिसर्च अब किस किस्म के क्वेश्चन आप रेस कर सकते हैं आप ये भी कह सकते हैं कि जो इशू एक्सप्लोर किया गया वो क्वांटिटेटिव मेथड से किया गया लेकिन क्वालिटेटिव uh, मेथड इसमें यूज नहीं किया गया तो मे बी दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट आप ये भी कर सकते हैं गैप इंडिकेट करने के लिए कि बताएं कि इस किस्म की रिसर्च जो है वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हुई है, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये रिसर्च नहीं है दिस इज ऑल्सो एस्टेब्लिशिंग नीश अगर बहुत कोई इशू है और वो एक्सप्लोर किया गया है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और कभी एक्सप्लोर किया गया स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप गैप इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई स्टडी ऐसी नहीं है जिसने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को इकट्ठे करके उसके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देखे हों सो देर डिफरेंट वेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग और इंडिकेटिंग नीश सो यहाँ पे मकसद हमारा यहाँ पे इन एस्टेब्लिशिंग इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड टू एक्सटेंड प्रीवियस नॉलेज सो वी आर ट्राइंग टू टेल द रीडर और कन्विंस द रीडर कि कौन सा गैप है और आगे नॉलेज को किस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है और कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं जिन इश्यूज हैं जिनको प्रीवियस रिसर्च ने या प्रीवियस रिसर्च एविडेंस ने पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया और ये हो गया आपका इस्टेब्लिशिंग नीश